हेलो गाइस, ये ON M18 यूपी की प्रोजेक्शन है। तकरीबन 2-3 महीने चलने के बाद इसमें डस्ट आ जाती है प्रोजेक्टर में। तो जो प्रोजेक्शन में दिखती है, ये लाइन देखें आप, राइट हैंड साइड, और ये डस्ट के कारण है। डस्ट डिपेंड करता है आपके यहाँ डस्ट कितनी आती है। जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी जल्दी सर्विस करनी पड़ेगी। और आज मैं इसको घर पे ही सर्विस करूँगा और आपको सारी वीडियो डिटेल में बताऊँगा उसमें कैसे इसकी सर्विस घर में करते हैं, डस्ट कैसे क्लियर करते हैं। तो जितनी डस्ट मतलब नहीं होगी, क्लैरिटी उतनी बढ़िया बनेगी और ये दाग सारे मिट जाएंगे ये वाले। अब हम इस प्रोजेक्टर को खोलेंगे, ON M18 UP को। आपको ये चेक करवा दूँ, मॉडल लिखा है M18 UP ऑन टोराडोला AK। ये ओरिजिनल की निशानी है और वोल्टेज इसको चाहिए 100 से 240 वोल्टेज तक ये चल जाएगा। अब हम स्क्रू खोलेंगे, 1, 2, 3 और 4, 5, 6 और ये वारंटी वाली सील है। अगर आपका प्रोजेक्टर वारंटी में है तो आप इसे ना खोलें, इसको टियर ना करें। अगर ये रिमूव कर दी तो आपकी गारंटी चली जाएगी। तो अगर का आपका प्रोजेक्टर वारंटी में है, इसे ना खोलें। तो हम ये सारे स्क्रू अब खोलेंगे, उसके बाद इसके अंदर से क्लीनिंग करेंगे। इसको खोलने के लिए आपको ऐसा स्क्रू ड्राइवर चाहिए, इसके चार कोने हुए ऐसे, ये चाहिए आपको ऐसे, और इसको यहाँ पे हम डालेंगे ऐसे। एक इसका यहाँ पे नट रह गया था, अब खो रहा हूँ, तो अब टोटल 8 नट हो गए हैं इसके। 8 नट खोल के फिर ही खोलेगा ये प्रोजेक्टर। 8 स्क्रू खोलने के बाद आप यहाँ से खोलें इसको, यहाँ से नहीं खोलना है, यहाँ से खोलें। इसको थोड़ा दबाना है ऐसे, ये देखो यहाँ पे लॉक है। इसको थोड़ा दबाने से इसको थोड़ा बाहर करना है, ब्लैक वाले को थोड़ा बाहर इसको दबाना है और ब्लैक वाले को बाहर करना है, तो ऐसे जो खुलेगा। ठीक, यहाँ से देखो, यहाँ इस साइड और ये यहां से, इसको पहले यहां से हमने खोला था और फिर इधर से खोला। बड़े ध्यान से खोलना पड़ता है, इधर ज्यादा जोर मत लगाएं आप, ऐसे जे खुल गया, ऐसे था ये लगा हुआ। पहले इधर से खोला, फिर इधर से और यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, थोड़ा ये अंदर की तरफ करना है और इसको थोड़ा बाहर की तरफ करके फिर ही खुलेगा। क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पे फिक्स है, इसमें नहीं है, ये यहाँ पे फिक्स है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको थोड़ा बाहर को करना पड़ेगा फिर खुलेगा। यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी एक बार खोलने में, फर्स्ट टाइम तो वैसे ही आएगी क्योंकि ये थोड़ा टाइटली होता है ये। अब इसको वैसे तो यहाँ से खोल सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे रख लेंगे। अब हम स्क्रू खोलेंगे, ये 1, 2, 3, 4 इधर इसको खोलेंगे। अब यहाँ इस पैनल को अलग करने के लिए आपको ये खोलना पड़ेगा यहाँ से। जब फर्स्ट टाइम आप खोलेंगे तो यहाँ पे सिलिकॉन टाइप एडहेसिव लगा होता है और उसको थोड़ा ऐसे खुरच के स्क्रैच करके फिर निकालना पड़ता है। फिर इसको थोड़ा नाखून से ऐसे निकाल लें, ये आप पैनल को अलग कर दें। अब इसमें भी सिलिकॉन टाइप कुछ लगा हो, उसको स्क्रैच कर दें, हटा दें उसको,
उसके बाद इसको भी ऐसे नाखून से ऐसे कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकते हो, बड़ा ध्यान से। अब इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, अब ये हम पहले खोल चुके हैं। अब इसको कैसे खोलना है, ये आपको काला सा लॉक रहा है, ये लॉक है यहाँ पे, इसको आपने ऊपर की तरफ करना है, इस काले वाले को ऊपर की तरफ करना है, फिर ये निकलेगी ऐसे। ये लॉक है ब्लैक कलर का, इसको ऊपर करना है फिर निकलेगी। अब इसको उठाएं, अब इसको साइड में कर दें, इसको भी साइड में कर दें, ये रहा। अब ये आपकी एलसीडी है, देखो कितनी धूल है इधर। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसे दिखाता हूँ। जो आप कह रहे थे ना M18 में साइड में कुछ आ रहा है, वो ये है डस्ट, ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ये देखो डस्ट है ये। मुझे कई क्वेश्चन पूछते थे कि ये साइड में क्या है, ये डस्ट है। आप देखो आप इतनी डस्ट पड़ती है, यहाँ पे डस्ट है, यहाँ पे डस्ट है। अब ये जैसे मोबाइल में आपकी एलसीडी होती है वो हो गई, ये यहाँ पे लगती है। ये आप मिरर निकाल लें, ये सबको इस टिश्यू पेपर से क्लीन कर दें। अब ऐसे टिश्यू पेपर लें, इसको क्लीन करें ऐसे। स्लाइटली ऐसी सब सारी चीजों को क्लीन कर दें आप, इसको भी निकाल लें आप, ये भी निकल जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास है ये भी, इसको यहाँ रखें, इसको अंदर से देखें, ये रिफ्लेक्टर है और अंदर एलईडी लगी है, इसके अंदर एलईडी लगी है और ये रिफ्लेक्टर है। मैंने सारा क्लीन करके दोबारा रीअरेंज कर दिया है, देखो मिरर कितना साफ है सारा कुछ। ये एक ग्लास अलग है और इसके बाद एक ग्लास और है, उसका भी यही है, प्लेन साइड इधर रहेगी और जो रफ साइड है खुरदड़ी है वो इस साइड रहेगी। उसके बाद एलसीडी आ गई, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया और ये आ गया मिरर। एक बात का आप ख्याल रखना, सर्विस करने के बाद हो सकता है आपका जो मैग्नीफाइंग ग्लास है रिफ्लेक्टर के पास, जहाँ पे बिल्कुल साथ होता है रिफ्लेक्टर के पास मैग्नीफाइंग टाइप ग्लास होता है, उसकी जो प्लेन साइड है वो आप रिफ्लेक्टर की तरफ रखना। अगर नहीं रखोगे तो जब उल्टा पड़ जाएगा वो, तो जब प्रोजेक्टर चलाओगे तो आपको सर्कल दिखाई देगा प्रोजेक्शन में, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब इसकी वर्किंग कैसे हो रही है, ये पीछे से लाइट सोर्स आ रहा है एलईडी का, यहाँ पे हमारे आप देख सकते हैं ये एलसीडी है, ठीक यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास है ये वाला, और आगे यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे मिरर है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाती है, ये है आपका फोकसिंग लेंस, यहाँ पे इमेज, फिर यहाँ पे प्रोजेक्टर होती है, प्रोजेक्शन होती है उसकी, ये यहाँ पे, ये हो गई इसकी वर्किंग। एक बार और देख लो, यहाँ पे आ गया आपका लाइट सोर्स, यहाँ पे फिर आ गई आपकी एक बीच में थोड़ा डार्क कलर का, लाइट डार्क का ग्लास होता है वो, इसलिए कि एलसीडी को हीट ज़्यादा ना पहुँचे, ज़्यादा हीट ना पहुँचे इसलिए आपके पास यहाँ पे लाइट डार्क कलर का ग्लास होता है। उसके बाद आपकी आ गई ये यहाँ पे एलसीडी, उसके बाद ये आ गया मैग्नीफाइंग ग्लास, ये देखिए आप,
ये बीच में एलसीडी दिखाई रही है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास और वो लाइट सोर्स, और यहाँ पे मिरर लगा है। इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्शन हुआ, ये लेंस है मैग्नीफाइंग, इसे हम फोकस करते हैं, ये कीस्टोन है आपका ये वाला, और ये रही आपकी प्रोजेक्शन। ये लाइट बंद करने के बाद ये इसकी प्रोजेक्शन सरमाइके पे है, वैसी आपको वर्किंग दिखाई थी मैंने, और ये अंधेरे में वर्किंग। जॉन M18 UP प्रोजेक्टर है, इसकी मैंने सर्विस घर पे की है, इसको क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद पिक्चर क्वालिटी बढ़ती है, डस्ट के कारण क्लैरिटी कम हो जाती है। ये तो अभी लाइट चल रही है, डस्ट के कारण इसकी क्वालिटी कम हो जाती है, क्लीन करने के बाद पिक्चर क्वालिटी बढ़ती है। अब जो इसमें लाइन आ रही थी यहाँ पे राइट साइड पे, वो डस्ट की लाइन थी। कईयों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था अभी ये क्या प्रॉब्लम है इसमें ऑन M18 UP में, तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें, डस्ट के कारण यहाँ पे लाइन आ जाती है। किसी की इधर राइट में लाइन आती है डस्ट की, किसी में लेफ्ट में आती है। तो कारण क्या है, जब इस प्रोजेक्टर को हम माउंट करते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो जो लाइन इधर राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्टर आपने माउंट करना है, हैंग करना है, तो उल्टा करना पड़ता है क्योंकि स्क्रू इसके नीचे होती है। तो प्रॉब्लम तो सेम वही है, बस डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता है, और वो लाइन का कारण था डस्ट। अगर आप इसकी सर्विस घर पे करना चाहते हो तो बहुत केयरफुली करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा केयरफुली, कोई तार वगैरह खींच ना जाए, बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी सर्विस। क्लीन करने के बाद इसकी आप क्लैरिटी देखें, देखो इसको प्रोजेक्टर को क्लीन करने के बाद इसकी क्वालिटी में बहुत फर्क आता है, बहुत, क्योंकि टाइम पाकर इसके अंदर धूल जमती है बहुत, इकट्ठी हो जाती है डस्ट इसके लेंस पे, एलसीडी पे, रिफ्लेक्टर पे, मैग्नीफायर ग्लास पे, एक इसमें शीशा आता है उसमें, सब में डस्ट जम जाती है। तो जब उसको क्लीन करते हैं प्रोजेक्टर को सारे को अंदर से, तो इसकी क्वालिटी बढ़ती है। डिपेंड करता है डस्ट कितनी आती है आपके यहाँ पे, जितनी ज़्यादा डस्ट आएगी उतनी जल्दी सर्विस करनी पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लीनिंग के बाद इसकी क्वालिटी बढ़ती है, डस्ट के कारण इसकी क्वालिटी घटती है। आप क्लीनिंग के बाद इसकी परफॉर्मेंस देखें, क्लैरिटी देखें। और मेरी पहले की वीडियो देखें जिसमें लाइन आ रही थी राइट साइड पे, अब नहीं है, वो डस्ट के कारण थी। M18 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लाइन आ रही थी चाहे वो लेफ्ट है चाहे वो राइट है, वो डस्ट के कारण थी। ये मैं 1080p पे चला रहा हूँ इसको, और बार बार फोकस कर रहा हूँ, मोबाइल से ज़्यादा क्लियर है वॉल पे। आप टेक्स्ट की क्लैरिटी भी देखें, ये वर्ड्स आ रहे हैं, इसकी क्लैरिटी भी देखें।